हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहारी स्कूल पर, जहां बच्चों मैंने दो दो जो चैप्टर्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो जो आपको किताब है उसका दो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, और उसमें से पहले का जो नोट्स है पूरा आपको मुहैया करा दिया गया है। वीडियो जाके देख सकते हैं। ये उसी सिलसिले में दूसरा वीडियो है आपके दूसरे चैप्टर का, पूरे नोट्स के साथ मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। मैंने जो अपने हाथों से अपने हैंड नोट्स हैं मेरे ये, और उसके अलावा आपको बाद में पीडीएफ भी सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग बिना वक्त जाया किए हुए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन होगा हम लोग बच्चों कि सिन्हली समुदाय किस देश से संबंधित है। तो श्रीलंका संबंधित है, सिन्हली समुदाय है वहाँ पे एक, तो ये श्रीलंका संबंधित है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वैध शासन व्यवस्था। वैध शासन व्यवस्था ये लघुतरीय क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, दो नंबर से भी आ सकता है कि वैध शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी व्यक्ति अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा हम लोग का सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के तीन अंग आप लोग भी जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम होता है विधि बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका काम होता है क्रियान्वित करना उसको, उन कानून और विधि को। और न्यायपालिका काम होता है न्याय देना। तो ये होता है। फिर चौथा क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है कि सरकार का चौथा स्तंभ या अंग कौन है। ठीक है, अब तीन अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चौथा स्तंभ जो है या चौथा अंग कौन सा है, तो मीडिया है। ठीक है, उसके अलावा अब चौथा पांचवा क्वेश्चन आते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, जो दो उद्देश्य होते हैं, उनमें पहला है कि क्षेत्रीय अनविविधताओं का आदर करना, और दूसरा कि देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। उसके अलावा अब छठा क्वेश्चन आते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अमेरिका से हुई। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन हर संघीय सरकार में किस प्रकार होती है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ है तीन 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 आधार पे है ना, कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी वीडियोज में, आप जाके देख सकते हैं। तो उसका विभाजन किस प्रकार, उसका विभाजन होता है वहाँ के ऐतिहासिक अनुभव तथा सामाजिक एवं राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से उसका बंटवारा होता है। उसके अलावा हम आठवां क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय भारत में कितने देशी रियासत मौजूद थे। तो 563 देशी रियासत जो थे उस समय मौजूद थे। उसके अलावा अब लास्ट क्वेश्चन है स्पेस का, जो मैंने बनाया है कि 1946 में गठित संविधान सभा का आधार क्या था। तो संघवाद ही इसका आधार था, जो संविधान सभा हम लोग की गठित हुई थी। अब आते हैं अपने अगले पेज पर कि प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, ठीक है, मुद्रा बैंकिंग किस सूची का विषय है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा रटने वाला है और ये क्वेश्चन आता भी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से में आते हैं, तो आगे आपको काम आएगा कि प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन और मुद्रा बैंकिंग किस सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है आपका ये। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अपने वीडियो में कि केंद्र सरकार जो है संघ सूची पर विषय पर कानून बनाती है। उसके अलावा जो है जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगला क्वेश्चन है कि जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है कि इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगी, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जेल पर, पुलिस पर। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन आते हैं राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है। साधारण सा क्वेश्चन, राज्य सूची है तो राज्य सरकार बनाएगी इस पर कानून। उसके अलावा अगला क्वेश्चन का है कि समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का इसी पर होगा, समवर्ती सूची पर ही, कि समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून के टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होगा। ठीक है, अगर दोनों समवर्ती सूची पर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो अगर टकराव होता है दोनों के कानून में तो कौन प्रभावी, किसका कानून प्रभावी होगा, तो केंद्र सरकार का। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो विषय तीनों सूचियों के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो जो और भी विषय होंगे इसके अलावा जो छूट जाएंगे वो होगा अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्ति, ये होगा किसके पास, केंद्र सरकार के पास। तो अवशिष्ट शक्ति होते हैं। उसके अलावा वही अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट या बचे हुए विषय पर कानून कौन बनाता है। तो केंद्र सरकार बनाएगी इस पर कानून। ठीक है, अवशिष्ट या बचे हुए विषय पर। उसके अलावा
18 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन के नियम किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है भारतीय संविधान में संशोधन का नियम। यहाँ पे तीन नियम है, इसको हम और बाद में पढ़ाएंगे अपने जब हम पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ाना अगर स्टार्ट करेंगे तो उस समय पढ़ाएंगे अनुच्छेद 368 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। उसके अलावा 19वां क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये था शक्तियों का जमाव एवं अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मतलब कि आप कहीं ना कहीं तनाशाह हो जाएंगे एक जगह अगर शक्तियाँ केंद्रित हो जाएंगे। मैंने पढ़ाया है कि केंद्रीकरण एकीकरण में क्या मतलब कि डिफरेंस होता है, तो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण भी यही था। ये 1989 में हुआ था और 21 21 भागों में बटा था। अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि चीगू आयरस संधि किस देश के लिए हुई थी। अब चीगू आयरस संधि जो है वेस्ट इंडीज के संघवाद, जब वेस्ट इंडीज में जब यह आंदोलन हुआ था संघवाद के लिए, तो उस समय यह चीगू आयरस संधि हुई आई थी। उसके अलावा अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का कि सोवियत संघ कब विघटित विखंडित हुआ। 1989 में मैंने ऑलरेडी बताया कि 21 भागों में विखंडित हुआ था। अब अगला जो ये है, ठीक है, हम उम्मीद है कि सब लोग को दिख रहा होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताएं, रिकमेंड करें ताकि हम लोग अगली बार से और सुधार कर सकें। बाकी जितनी सुविधाएं हैं हम लोग आपको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का नियंत्रण होता है, ठीक है। और किसी भी राज्य के मतलब कि उसमें भौगोलिक सीमाओं परिवर्तन हो रहा है तो किसके द्वारा होगा, संसद के, राज्य के द्वारा, राज्य का हक नहीं है ये, संसद का ही हक है। उसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसी राज्य की सीमा या नाम पर परिवर्तन कर सकती है कौन, संसद ही कर सकती है। उसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को किसकी मंजूरी के लिए भेज सकता है, तो राष्ट्रपति के लिए। अब मतलब राज्यपाल के पास जब जाता है लास्ट में, हम लोग जानते हैं कि जब विधानसभा और विधान परिषद राज्य के स्तर पर जब अपना कानून बनाकर राज्यपाल के पास भेजेगी साइन करने के लिए, तो उसके बाद अगर राज्यपाल चाहेगा, अगर उसको लगेगा कि ये विषय मैं साइन नहीं कर सकता हूँ, राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, तो राष्ट्रपति को भेज सकता है, वो अधिकार है उसके पास। उसके अलावा हम लोग 26वां क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति से राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कौन कर सकता है, तो राज्यपाल, राज्यपाल के पास ये भी शक्ति है कि अगर उसको लगता है कि राज्य सरकार अच्छे से सरकार नहीं चला पा रही है राज्य सरकार, ठीक है, तो उसको रिकमेंडेशन भेज सकता है, मतलब कि उसको अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति के पास कि आप क्या कर दीजिए, विधानसभा को विघटित भंग कर दीजिए। उसके अलावा 27वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में सैनिक शासन किस अनुच्छेद से लागू होता है, तो अनुच्छेद 33 और 34 से, जो मार्शल लॉ है जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी उसमें वीडियोज में, वो आप देख सकते हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को भारतीय संविधान की मतलब कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को, ठीक है। अब आगे आते हैं कि भारत का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणतंत्र कौन था, ये लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था, ये इतिहास का क्वेश्चन है लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है कि भारत का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणतंत्र कौन था, वैशाली था। वैशाली आप लोग जानते होंगे बिहार का एक राज्य है, बिहार का बल्कि एक जिला है, उधर मुजफ्फरपुर तरफ आप जाइएगा तो, ठीक है, तो वहीं बसाड़ कहते थे इसको पहले इतिहास में, तो वही है वैशाली, वैशाली का लिच्छवी, ठीक है। उसके अलावा तीसवा क्वेश्चन हमारा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उसके अलावा हम लोग 31वां क्वेश्चन पर आते हैं, ग्राम पंचायत के गठन की सोच किसका दृष्टिकोण है, तो गांधीवादी दृष्टिकोण है ये, ठीक है, उनका ही दृष्टिकोण था, उन्हीं का वो था कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए और गाँव मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के गठन का जिक्र कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, आप लोग को शायद नहीं पता हो लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, उसमें ही ग्राम पंचायत के गठन मतलब अनुच्छेद 40 में इसके गठन का जिक्र किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का ये है। अब अगला पेज पे आ जाते हैं हम लोग, अगले पेज पे, तो अगला पेज हम लोगों का और पहला क्वेश्चन है उसका कि राष्ट्रीय स्तर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस समिति के अनुशंसाओं पर की गई थी, मतलब कौन सी समिति बैठी थी कि ग्राम पंचायत की जो राज प्रणाली है उसको विधिवत शुरू की जाए, तो वो बलवंत राय मेहता समिति थी। उसके अलावा पंचायती राज, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का शुभारंभ कब और कहाँ से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1900, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी समिति थी, और ये भी क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड आप कर लीजिएगा कि पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में कब लागू हुई थी, 1959 में हुई थी, ठीक है, 1959 में राजस्थान में भी हुई
है और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन पहले कहाँ हुई है? राजस्थान में अगर आएगा क्वेश्चन तो। दूसरी में दूसरा मतलब कि राज्य है आंध्र प्रदेश अपना। उसके अलावा ब्रंथवराज मेहता समिति जिसका मैंने जिक्र किया, उसके त्रिस्तरीय ढांचा मतलब कि तीन स्तर पर उन्होंने बताया था पंचायती राज गठन का, तो वो कौन कौन से थे? तो पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत, उसके बाद दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, उसके अलावा 38वां क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य कौन सा संविधान संशोधन और कब संसद में लाया गया? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य ये संविधान संशोधन आया था कब? तो आया था 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक करके, लेकिन पास कब हुआ? अगला क्वेश्चन आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1991 में आया था दोनों सदनों में कब पारित हुआ? तो 22 और 23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में। उसके अलावा 40वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन पश्चात किस भाग को संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, तो भाग 9 में जोड़ा गया है संविधान संशोधन पश्चात अपने पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायत शीर्षक करके था कि अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया था भाग 9 में। संशोधन पश्चात कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया है? तो 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद 243। ठीक है, तो 243 में इसकी व्यवस्था की गई पंचायती राज व्यवस्था की। उसके अलावा 42वां जो क्वेश्चन है हम लोगों का इस पेज का लास्ट, की संशोधन द्वारा कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई तथा इसमें पंचायती क्षेत्र के अंतर्गत किसे कितने मुद्दों का उल्लेख है? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 मुद्दों का उल्लेख है। बच्चों अब हम मैंने ज्यादा जूम नहीं किया है, चादर वादर आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा जूम करके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, अपने वीडियोज को। उसके अलावा स्पष्ट सिर्फ दिखना चाहिए, यही मेरा मकसद, इसलिए मैंने इसको जूम नहीं किया है। अब बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने, कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है तो कौन कौन सा है? तो बिहार में जो है ग्राम पंचायत पहले स्तर पर, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अब इनका कार्यकाल क्या होता है भैया? कार्यकाल जो है पंचायती राज अधिनियम में तो 5 वर्षीय कार्यकाल है। ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है? पता ही है हम लोगों को, गाँव से बिलोंग करते हैं सभी लोग, तो मुखिया है, मुखिया जो ग्राम पंचायतों का प्रधान होता है, मुखिया जी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आते हैं, तो किस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण सीटों में आधा सीट अर्थात 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? तो ये बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 जो मैंने वीडियोस में भी बताया है बहुत अच्छे से, पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा हमारे 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है पंचायती स्तर पर। ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो महिलाओं के लिए पंचायती स्तर 50% आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये बिहार ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार ये पहला राज्य जो कि 50% आरक्षण देता है महिलाओं को पंचायत स्तर पे। उसके अलावा बात करते हैं 46वां क्वेश्चन, कि मुखिया या उपमुखिया को स्वेच्छा से हटाने के लिए किसे त्याग पत्र देना पड़ता है? तो मुखिया उपमुखिया को अगर स्वेच्छा से हटना है, अपना इस्तीफा देना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास, जहाँ पे कि उनको इस्तीफा देना होगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हटाने का एक और तरीका है, एक तो स्वेच्छा से दे दिए, और एक क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है उनके खिलाफ। तो अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा, मतलब कि विश्वास नहीं है जनता की आपके प्रति, तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उनको कितना वो चाहिए? वोट 2/3 बहुमत होनी चाहिए, मतलब 3 में से 2 लोग सहमत होने चाहिए कि, मतलब कि एक एग्जाम्पल है, इतना नहीं है, लेकिन अगर 3 लोग हैं तो 2 लोगों को सहमत होना चाहिए कि इनको हटाया जाए, तो विश्वास प्रस्ताव आता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है तो कौन सी व्यवस्थापिका सभा, मतलब विधि कौन बनाती है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम सभा मैंने पढ़ाया अपने वीडियो में, जाके देख सकते हैं ग्राम सभा किसे कहते हैं। और यहाँ पे मैं बता भी दूं कि ग्राम, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हों, तो सब ग्राम सभा में ये लोग शरीक होते हैं, तो ग्राम सभा इसे ही कहते हैं। और पंचायत समिति, अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर होता है पंचायत समिति। तो इस तरह के 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं मेरे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सीरियल नहीं दे पाया हूँ मैं, चलिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस समय सीरियल देके ही प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन 52 नंबर 52 नंबर जो क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के प्रमुख का चुनाव किस रीति से किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो ये चुनाव होता नहीं पंचायत समिति का, तो अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कि पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है कौन? प्रमुख। जहाँ पे वहां पे देखे ना, ग्राम पंचायत में कौन होता है मुख्य? मुखिया। तो यहाँ पे प्रमुख होता है प्रधान अधिकारी। पंचायत समिति की बैठक कौन बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रमुख ही इसका काम, प्रमुख का ही काम है पंचायत समिति की बैठक बुलाए और उसकी अध्यक्षता करें। ठीक है, जैसे वहां पे अध्यक्ष होता है ना केंद्र स्तर पर, इसी प्रकार प्रमुख भी होता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर? अगला क्वेश्चन हमारे का, कि जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था कौन सा स्तर? तीसरा स्तर है। ठीक है,
तीनों स्तर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, मनोन्तर मेहता समिति के द्वारा, और बिहार में किस तरह से जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, वो 5 वर्षों का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कब और क्यों किया जाता है, तो 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का ये गठन किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो ये है, हम बता दें थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी कि अनुच्छेद 280 कहता है कि वित्त आयोग का एक गठन होगा, मतलब केंद्र स्तर पे, और यहाँ पे भी राज्य वित्त आयोग का गठन तो क्यों किया जाता है, तो वही इसीलिए होता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति जो है उसका मतलब एक बार पुनरावलोकन हो जाए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज संस्थानों को विघटित होने के पश्चात कितने महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाना जरूरी है अगर पंचायती राज वो हो जाती है तो, मतलब विघटित हो जाती है राज संस्थान। पंचायतों के निर्वाचन संबंधित सभी चीजों के लिए कौन उत्तरदायी है, निर्वाचन आयोग उत्तरदायी, निर्वाचन आयोग ही निर्वाचन कराता है, सब कुछ व्यवस्था करता है पंचायत स्तर पर भी। उसके अलावा पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मनुस्मृति और महाभारत में जो है बिहार में नगरों और कस्बों का स्थानीय स्वशासन उस समय से, जान लीजिए, मनुस्मृति और महाभारत में भी इसका जिक्र है। अब अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जो मौर्य साम्राज्य हमारा गौरवान्वित हम लोग का इतिहास रहा है बिहार का, तो मौर्य साम्राज्य उसमें से एक, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विस्तार पूर्वक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मेगास्थनीज के इंडिका में। ठीक है, उसी समय आए थे मेगास्थनीज, राजदरबारी कवि थे, तो इन्होंने लिखा है उसके बारे में। उसके अलावा हम लोग आते हैं, अब भाई मौर्य साम्राज्य की बात है, चाणक्य कहाँ पीछे रह सकते हैं, चाणक्य तो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बात आती है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया, तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक किस कहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ, आपके क्वेश्चन में कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, उसमें उन्होंने नगर प्रशासन का वर्णन किया है पाटलिपुत्र का। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान कब की गई है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, वहां पे कौन था, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज शासन व्यवस्था, और यहाँ पे नगरीय शासन व्यवस्था जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नगरपालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस सूची में उल्लेखित है, वो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो ये उल्लेखित है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नगरों के स्थानीय शासन के लिए कितने प्रकार की संस्थाएं हैं, तो 3 प्रकार की, जो वहां पे पंचायती राज व्यवस्था पे 3 प्रकार की, यहाँ भी नगरों के शासन स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, और फिर ऊपर में नगर निगम। ठीक है, तो नगर पंचायत का गठन कब किया जाता है, नगर पंचायत का गठन ऐसे गांव जो शहर का रूप ले रहे हैं तब नगर पंचायत का गठन होता है। ठीक है, गांव ही तो शहर का रूप लेते हैं, धीरे धीरे शहरीकरण होता है गांव का, आप लोग के आसपास भी होता होगा। अब आगे देखते हैं कि नगर पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, वहां पे भी वही था, तो ये सब याद रखने में तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं कि ये लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा मैंने बनाया है कि नगर परिषद जनसंख्या कितना भाग कृषि छोड़ अन्य कार्य में लगे रहना चाहिए, अगर नगर परिषद बनना है एक, तो जनसंख्या कितना भाग जो है कृषि कार्य में नहीं होना चाहिए, कृषि कार्य के अलावा और कोई काम कर रहा, व्यवसाय कर रहा हो, तो 3/4 भाग, मतलब 3/4 जो है आपका भाग जो है लोग काम कर रहे हैं, मतलब 4 में से 3 लोग जो है कृषि छोड़कर अन्य कार्य कर रहे हैं, तो नगर परिषद का स्थापना होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन कि नगर परिषद में कितने और कौन कौन अंग है, तो 4 अंग हैं नगर परिषद में, नगर पार्षद, फिर समितियां, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और कार्यपालक पदाधिकारी। इसके बारे में जानना है तो आप पूरा वीडियोज देख लीजिएगा अच्छे से, आपको मालूम हो जाएगी, नहीं मालूम होगा तो कॉमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद कितने तरह का कार्य करता है, तो अनिवार्य एवं ऐच्छिक, ये भी मैंने बताया कि अनिवार्य कौन सा होता है और ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं, नगर परिषद कितने तरह कार्य होते हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कहां नगर निगम की स्थापना की गई, अब वहां वाले याद रखिए कि पंचायती राज जो व्यवस्था है पहली बार सर्वप्रथम कहां पे व्यवस्था की गई थी, कहां पे भाई, तो राजस्थान में नागौर जिला में। ठीक है, उसके अलावा उसी साल 1959 में ही वहां पे आंध्र प्रदेश में भी की गई थी, लेकिन ये जो है नगर निगम की स्थापना हुई 1688 में। ठीक है, मद्रास चेन्नई में। ठीक है, मद्रास चेन्नई में हुई है, मतलब वो अंग्रेजी सरकार जब थी उसी समय। बिहार में सर्वप्रथम कहाँ और कब नगर निगम की स्थापना की गई, तो 1952 में पटना में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना पहली बार नगर निगम पटना। ठीक है, पहला। उसके अलावा अब आ जाते हैं दोस्तों, अब हमने जो बनाया था वो करीब करीब 70-75 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव
जो अपने मैंने बनाया था। उसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है कि सही विकल्प चुनें। देखिएगा, अपना किताब मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? लिखित संविधान पहला ऑप्शन, फिर दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा इकहरी शासन व्यवस्था और चौथा सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, तो कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इकहरी तो होगी नहीं, क्योंकि तो संघ शासन व्यवस्था का मतलब संघ राज्य की विशेषता यही होती है ना कि हर लोग मिलके मतलब शक्तियों का विभाजन हो, लिखित संविधान हो, सर्वोच्च न्यायपालिका हो, सब कुछ हो। ठीक है, तभी ना होगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आपको प्रश्नावली का, संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अमेरिका ही है जो संघ सरकार का उदाहरण है, वहीं से हम लोग ने लिया है संघ जो है अपना गुण संविधान में शामिल किया है। उसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, अपने क्वेश्चन में भी बनाया था मैंने कि कितने कितनी सूचियां हैं, कितने प्रकार की। तो संघीय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये हो जाती है आपका, ये आपका आंसर हो जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि पहला ऑप्शन है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, दूसरा कि देश की एकता कमजोर करती है, तीसरा कि फैसला लेने में देरी कराती है, और चौथा कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अब भाई संघवाद होगा तो मतलब कि संघवाद का यही मतलब होता है ना कि विभिन्न समुदाय जितने भी हैं उनके सारी चीजों को, उनके मतलब सभी लोगों के चीजों को जाना जाए, तो इसका आंसर वही होता है आपका। मैंने ये किया है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है संघवाद जो व्यवस्था होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही। एक संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, पहला कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, दूसरा कि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं होगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। यही होता है ना संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल, इसीलिए है ना कि सब लोगों को भाई अपना ये रहता है, विश्वास रहता है कि सब लोगों की बात सुनी जाएगी, कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म के लोगों, सब पर अपने बराबर की नजर रखी जाती है। ठीक है, बराबर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए संवाद अच्छा है। उसके अलावा अब क्वेश्चन आता है अगला आपका, एक उस तर्क दिया गया है स्थानीय स्वशासन के बारे में, तीन तीन चार तर्क है, इसको मैंने ये नहीं किया है, लेकिन मैं आपको, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर जो भी होगा जैसे होगा मैं इसको मुहैया करा दूंगा आपके सामने। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आपके प्रश्नावली से, कि संघ राज्य का अर्थ बताएं, संघ राज्य का अर्थ बताएं। तो संघ राज्य का अर्थ वही होता है कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बटी हो। ठीक है, यही ना होता है संघ राज्य का अर्थ, कि मतलब एक सत्ता तो केंद्र सरकार हो, लेकिन जो शक्तियां हैं सबके बीच में क्या हो, अनुसांगिक इकाई जो भी है, राज्य है, प्रांत है, ठीक है, सबके बीच में बटी हो, चाहे पंचायती स्तर पर, सब 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 में बटी हो। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं, दो विशेषताएं बतानी थी। ठीक है, तो आपके आपके किताब में बहुत अच्छे से 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से दो उठा के मैंने भी रख दिया है, तो वही आप कोई भी पॉइंट उठा के रख सकते हैं, ये कोई जरूरी रटना जरूरी नहीं है। तो संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, तो पता है हम लोगों को, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार मतलब राज्य सरकार जो हमारे यहाँ भी हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। फिर दूसरा है कि प्रत्येक स्तर की सरकार, दूसरा पॉइंट जो है संघीय शासन की विशेषता में, कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। अब मतलब ये बांट दिया जाता है सब लोगों की शक्तियां, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, सब लोग बांट दिया गया है, तो राज्य सूची अपना राज्य कानून बनाती है, उन लोगों के प्रति जवाबदेह होगी अपनी जनता के प्रति जो भी कानून बनाएगी। उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं, अति लघु उत्तरीय खत्म होता है। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है पहला आपका, तो मैंने आंसर लिखा है जो बहुत अच्छा है कि सत्ता की साझेदारी से आशय वैसी व्यवस्था से है जहां सभी अर्थात समाज के समान, असमान, अमीर, गरीब, शक्तिशाली, कमजोर, ठीक है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न विचार के लोग मिलकर शासन चलाते हैं या भागीदारी निभाते हैं। यही तो है सत्ता की साझेदारी, जहां पे सभी लोग मिलकर काम करें, ठीक है, सभी लोग मिलकर शासन करें, ठीक है, एक लोग, किसी एक लोगों का वर्चस्व ना हो या एक व्यक्ति पर सारी चीजें न ला दी जाए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरी चीजों पर वो न ला दी जाए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि
ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, मैंने ऐसा लिखा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व है। अरे भाई बहुत महत्व रखती है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी होगी तो लोकतंत्र जीवित है। तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है क्या, कि जनता का शासन, और लोकतंत्र जिसमें जनता, ठीक है, सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। ठीक है, लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक फैसलों में सबकी भागीदारी होती है, यही तो मतलब इम्पोर्टेंस है सत्ता की साझेदारी का और लोकतंत्र जीवित रखने का, कि लोकतंत्र में जो है समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र की विभिन्नताओं को देखते हुए तथा उनमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाती है कि सत्ता में साझेदारी कार्यप्रणाली सबकी सहमति की प्रणाली बनी। ठीक है, तो यही ना, यही खासियत है सत्ता की साझेदारी का। लोकतंत्र महत्व इसीलिए रखता है कि भाई जो लोकतंत्र है, मतलब लोगों का शासन है, वो जीवित रहे और सबको जो है समाज के विभिन्न समूह, समाज के विभिन्न विचार, समाज के विभिन्न जाति धर्म, सबका उचित सम्मान किया जाए, तभी तो लोकतंत्र जीवित है सत्ता की साझेदारी से ही। अब सत्ता की साझेदारी के अलग तरीके क्या हैं, बहुत सारे तरीके हैं भाई साहब, बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट तरीके भी हैं, प्रत्यक्ष तरीके, अप्रत्यक्ष तरीके, सारे तरीके तरीके दिखेंगे आपको। तो उसमें सबसे पहले मैंने दिया है अलग अलग तरीकों में, पहला है कि वैध शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे मजबूत तरीका है सत्ता में साझेदारी की, एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है, सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। यह है वैध शासन व्यवस्था, पहली व्यवस्था जो कि सत्ता की साझेदारी का सबसे प्रमुख तरीका है। उसके अलावा दूसरा, ये भी एक व्यवस्था ही है लेकिन ये गलत है, कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इससे भी सत्ता में साझेदारी होती है लेकिन ये गलत है, कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे कि राजशाही, तानाशाही, जैसे कि हिटलर ने किया, तो गलत है गैर लोकतांत्रिक तरीका, तानाशाही या एक दलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, जैसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को सत्ता में साझेदारी की जरूरत, व्यवस्था में संभावना नहीं होती है, सिर्फ एक दल या एक आदमी या एक राजा अगर शासन करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, वहां पे सारे लोगों का जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह, मतलब कि वही दबाव समूह की बात कर रहा हूं मैं, दबाव समूह के बारे में आपके मतलब आगे क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से, कि सभी लोग, इन लोग अपना अपना जो संस्था बना के या मतलब जैसे भी हो सके प्रत्यक्ष तरीके से सत्ता में साझेदारी निभाते हैं, यही मैंने बताया। जो उसके अलावा जो है जो सत्ता में साझेदारी का एक और तरीका, कि राजनीतिक दल जो है सबसे बढ़िया तरीका है, एक सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है, आजकल हर जगह दिखता है, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सब जगह मतलब दल हैं और जो कि सत्ता में साझेदारी के सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब अगला पॉइंट है सत्ता की साझेदारी का तरीका, कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है। अद्यतन रूप मतलब क्या, मतलब पहले शुरू में नहीं था लेकिन ये बाद में जाके क्या हुआ, कि जो आप मतलब कि सबसे पहले 77-78 में देखेंगे जनता सरकार आती है, जनता मतलब जनता पार्टी की सरकार आती है, यहाँ पे आपको गठबंधन का ये दिखेगा, तो गठबंधन की सरकार भी सत्ता में साझेदारी निभाती है। अब उसके अलावा विश्व स्तर पर देखें तो नेपाल में राजशाही अर्थात सत्ता के एकाधिकार की व्यवस्था के अंत तथा सत्ता जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ सौंपने के लिए आंदोलन, ये भी सत्ता में साझेदारी के लिए ही था। बोलिविया का जल युद्ध देखेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधाओं के लिए संघर्ष देखेंगे, सूचना का अधिकार देखेंगे, ये सभी जो है सत्ता में साझेदारी के प्रयत्न के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, आप किस तरह सूचना के अधिकार द्वारा भी आप सत्ता में साझेदारी निभाते हैं, आप पूछते हैं सरकार, सवाल करते हैं, तो सत्ता में साझेदारी ही है वो। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लास्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, पहला क्वेश्चन आपका, एक राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो आंसर होगा कि राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल मैंने बताया ना कि राजनीतिक दल जो सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है, तो भाई राजनीतिक दल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है सत्ता में साझेदारी का। तो राजनीतिक दल का सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, कि राजनीतिक दल की सत्ता में साझेदारी जानने से पहले राजनीतिक दल किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है, राजनीतिक दल में आप एक चीज जरूर देखेंगे, ठीक है, दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, कि एक संगठित समूह होगा, उनका विचार एक होगा सभी का, और एक जो होगा दूसरा कि सत्ता जो हासिल करने का एकदम बिल्कुल उनमें बिल्कुल दृढ़ संकल्प होता है कि इस बार सत्ता हासिल कर लेना है। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है तो आप देखिएगा किस तरह राजनीतिक दल आपको लुभाने की कोशिश करेंगे पूरी जनता को। ठीक है, उसके अलावा अब आगे आते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा तो देखने को मिल ही रही होगी अभी,
के रूप में काम करते हैं। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में ना रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब भाई केंद्र सरकार में देख ही रहे हैं, अब भाजपा है तो अब केंद्र सरकार चाह रही है कि हम आ जाएं। अब यहाँ पे क्या है कि जदयू है तो अब चाह रही है कि महागठबंधन की सरकार, मतलब महागठबंधन की सरकार आ जाए ठीक है, या मतलब कि कोई भी सरकार आए तो मतलब कि ये मतलब अच्छी अच्छी राजनीति है। जितने राजनीतिक दल उतना कॉम्पिटिशन होता है उतना जनता के पास क्या होता है अपना चुनाव मतलब कि ये करने का, वोट देने का अच्छा मतलब विकल्प होता है। उसके अलावा आते हैं कि राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाला सशक्त माध्यम होता है। सही है। अगर हम राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रही है। जैसे कि अब आजादी के पश्चात हम लोग देखेंगे, मैंने इस चीज का पूरा जिक्र कर दिया है कि कैसे आप जान पाएंगे कि राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदारी का सबसे बढ़िया वो है मतलब वाहक है। तो आजादी के पश्चात क्या हुआ कि 20-25 साल तक क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार की ही मतलब की कांग्रेस की ही सरकार रही ठीक है। फिर जनता पार्टी के हाथ में कुछ समय के लिए शासन आया, हम लोग देखते हैं 1977-78 में ठीक है। उसके बाद अपनी विचारधाराओं पर काम किया, फिर एक दौर गठबंधन की सरकार का भी आया, फिर कांग्रेस 2014 तक शासन करती रही, फिर 2014 के बाद हम लोग क्या देखें कि भाजपा अपनी नीतियों के हिसाब से सत्ता में साझेदार बनी हुई है ठीक है। अब आगे का भगवान ही जाने, बाकी करंट समय मैंने इसको जोड़ा है और इसी तरह लिखना भी चाहिए आंसर आप लोगों को भी कि ठीक उसी प्रकार बिहार सरकार में राजनीतिक दलों की सत्ता में साझेदारी की पिछले 30 साल के सफर को सिर्फ देखें हम लोग, सिर्फ ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 30 साल का देखेंगे तो पहले हम लोग क्या देखा है, 15 साल हम लोग किसको देखा, राजद को देखा ठीक है। उसके अलावा अब जो है कि अब जो है कि धीरे धीरे सत्ता में सरदारी निभा रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में जदयू तथा एनडीए की सरकार रही है, 15 वर्षों में लोग पता है, तथा इस प्रकार इस बार की विधानसभा में 2020 विधानसभा होने वाला है। चुनाव चुनाव परिणाम यह भी तय कर देगा कि कौन दल सत्ता में सरदार बनेगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुत कंपटीशन है और सब लोग की सरकार जो है आती जाती रहती है। उसके अलावा अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोगों का वो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। बहुत मजा आता है मुझे ये क्वेश्चन लिखने में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये सब, कोई भी ऐसे ही नहीं लिख सकता है, इसमें आप बात नहीं बना सकते हैं। गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं, तो गठबंधन की सरकार का हम लोग पहले डेफिनेशन जान लेते हैं और वैसे ही लिखना भी चाहिए कि जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गठबंधन की सरकार। मतलब कि विभिन्न विचारधाराएं हैं। देखिए अभी आप देखिए महागठबंधन आ रहा है, हमने आगे मैंने जिक्र भी किया होगा कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन मतलब महागठबंधन की सरकार अगर बनाने बनेगी भी तो उसमें क्या होगा कि विभिन्न विचारधाराएं होंगी, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, राजद की अलग विचारधारा है, और भी जितने भी पार्टीज मिले हुए हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन एक मंच पे वो लोग आए हुए हैं ठीक है। ओके तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर एनडीए में भी आप देखेंगे तो एनडीए में बहुत सारे लोग हैं ठीक है, लोजपा हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, तो सारे लोग तो यहाँ भी गठबंधन ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले लड़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मतलब इसी में है कि जैसा कि हमें पता है गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी अनेक राजनीतिक दलों का विचारों को क्षेत्रों का होता है, जिसका इसका पहला स्पष्ट उदाहरण कब मिला है हम लोग को गठबंधन की सरकार का, यहाँ मैंने जिक्र कर दिया है, इसको जिक्र करते चलिएगा। 1977-79 के बीच जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जो 1975-77 के आपातकाल विरुद्ध आंदोलन के बाद आई ठीक है, जो 1975 में आपातकाल लग गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद ये सरकार आई ठीक है बहुत ज्यादा विरोध करके। उसके बाद और पहली गठबंधन सरकार जिसने सफलता पर 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया वो भी कब आई, 1999 में आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, 1999 से 2004 के बीच में पहली ऐसी सरकार जो कि गठबंधन में भी थी लेकिन फिर भी क्या हुआ कि पूरी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा की। वर्तमान में जो है बिहार विधानसभा चुनाव मैंने जिक्र कर दिया है कि 2020 में महागठबंधन इस पर आधारित बनी दलों का समूह सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां आरजेडी, कांग्रेस आदि दलों का अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो सत्ता में साझेदार होंगे। तो इस प्रकार जो है गठबंधन की सरकारें भी जो है सत्ता में साझेदारी निभाती हैं और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप उदाहरण है हम लोगों के सामने ठीक है, आगे भी देखने को मिलता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनाते हैं। तो सबसे पहले दबाव समूह का डेफिनेशन जान लेते हैं। दबाव समूह शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है दबाव समूह। तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित है, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी
प्रतिरक्षा करते हैं। ठीक है, यह जैसा कि कहा गया, एक सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश है। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं। तो ठीक है, दबाव समूह जो होता है अपना एक हित होता है उनका, अपने एक फैन फॉलोइंग, मतलब अपनी एक जो लोगों की फॉलोइंग होती है जिसके लिए वो काम करें, और उसके लिए वो दबाव बनाते हैं सरकार पर और उनकी मांगों को पूरा करते हैं। तो ये भी अच्छा है एक तरह से, सत्ता में साझेदारी का, दबाव समूहों का भी। फिर अगला दबाव समूह का ही अगला जो पैराग्राफ मैंने लिखा है कि इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी लोगों का ये हित ही देखती है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं और ये ना तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी, कि क्या दबाव समूह चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों संबंधित होते हैं और इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ाना होता है। ठीक है, इनका बस यही काम होता है। उसके अलावा दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। भैया ऐसा भी होता है कि अगर किसानों के खिलाफ, चाहे मतलब व्यापारियों के खिलाफ या स्टूडेंट के खिलाफ, अगर कोई भी अगर ऐसी नीति आती है, ठीक है, जो कि उनके खिलाफ होती है, तो वो भी उसका मतलब दबाव समूह जो है इसको भी बदलने की कोशिश करते हैं और बदलते भी हैं। जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, मतलब पत्र के द्वारा भी, जन प्रचार के द्वारा, प्रचार व्यवस्था करके, अनुरोध करके, जनवाद विवाद करके, ठीक है, इसके द्वारा भी ये अपना दबाव बनाते हैं सरकार पर और सत्ता में साझेदारी निभाते हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि अतर्क संगत और मतलब गैर विधिक तरीकों का भी उपयोग किया जाता है दबाव समूह द्वारा। ये सही नहीं है, क्योंकि दबाव बनाने के लिए सरकार पर ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है, जो अपना पब्लिक ऑर्डर जो होता है, हम लोगों का जो व्यवस्था होती है, अपनी जन व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अब देखते होंगे आप लोग कभी कभी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो वहां पे किसान जितने भी ये हैं अपने दबाव समूह वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्रेन को रोका जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं आने जाना दिया जा रहा है, हाईवे रोका जा रहा है, तो ये सब गलत चीजें हैं। उसके अलावा आते हैं, आइए कुछ दबाव समूहों के बारे में जानते हैं, जान लिया जाए, कुछ जानना जरूरी है, आगे भी काम आएगा आपके। पहला जो है फिक्की, मैंने लिखा है फिक्की। अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इसका इसी मालूम हो ही गया, कॉमर्स और इंडस्ट्री मतलब कि कहीं ना कहीं औद्योगिक और व्यावसायिक हित जब भी मतलब कि प्रभावित होंगे उसका प्रतिनिधित्व करेगा ये संस्थान। उसके अलावा दूसरा जो है मजदूरों के लिए है, मजदूरों के लिए सभा करता, मजदूरों के लिए वो करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब ये हैं, ऑल इंडिया, मतलब दो तीन मैंने लिखा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, और हिंदू मजदूर सभा आदि। व्यापारी, व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज उठाते हैं। उसके अलावा खेतियर समूह भी हैं, अभी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, देखिए भारतीय किसान यूनियन वहां पे होगा, ठीक है, पंजाब में जो भी हो रहा है, चाहे मतलब ऑल ओवर द, मतलब ऑल ओवर इंडिया, फिर यूनाइटेड किसान सभा होगा आदि, बहुत सारे जो है किसान जो दबाव समूह है वो काम कर रहे होंगे अभी। उसके अलावा चौथा जो है छात्र संगठन, जो छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोग हम लोग तो रूबरू होंगे, आप लोग कॉलेज जाते होंगे तो वहां पे दिखता होगा, चाहे मतलब की कहीं भी, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, उसके अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, ठीक है, तो आदि। तो इस प्रकार बहुत सारे मतलब सारे मतलब जातियों के लिए भी बहुत सारे दबाव समूह हैं, फिर सारे वर्ग के लिए अलग अलग दबाव समूह हैं जो काम करते हैं अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने जनता के हित के लिए दबाव बनाते हैं मतलब सरकार पर, सत्ता में साझेदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार मैंने लिख दिया लास्ट में कि इसी प्रकार हर एक वर्ग के लिए अनेकों दबाव समूह कार्य करते हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सबसे विशेष बात कि इनमें से ज्यादातर दबाव समूह किसी न किसी, अब ये भाई नकार नहीं सकते हैं आप, जो भी है, जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण में बताता हूँ, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ABPP, तो ABPP जो है ये हमेशा BJP के लिए काम करती है, जो विद्यार्थी परिषद, चाहे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI जो है कांग्रेस के लिए काम करती है। इस प्रकार जो भी किसान यूनियन है, जो भी ट्रेड यूनियन है, इस सब को कोई किसी ना किसी इससे जुड़ी हुई है, मतलब किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है, और उनको मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से जो है फायदा पहुंचाती, लाभ पहुंचाती है और सत्ता में साझेदारी निभाती है। अब उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों, मतलब तीन आपका आपके पास वो था कि उसको समर्थन कीजिए, तो मैंने पहले का ही कर दिया है, जैसा कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। हाँ भाई, सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी जितनी होगी क्या होगा, उससे क्या होगा, मैंने बताया शुरू में ही कि लोकतंत्र जीवित रहता है, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है सामाजिक विभाजन हो चाहे ना हो। हम जानते हैं कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ उस राज्य या स्थान या देश के सभी लोग मिलकर शासन करते हैं, सत्ता में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, इसके लिए ही होता है सत्ता की साझेदारी, तो अच्छी चीज है ना, ये तो होनी ही चाहिए, चाहे वो छोटा जगह हो, छोटा स्थान हो, चाहे सामाजिक विभाजन हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
तो सत्ता में साझेदारी हरेक समाज के लिए जहां सामाजिक विभाजन न हो या वह छोटा हो के लिए इसलिए भी है ताकि वहां का सत्ताधारी समाज जो है तानाशाह न हो जाए और राजनीतिक समाज की एकता अखंडता और वैधता बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी है कि भाई क्या हो, सत्ता में साझेदारी सबकी हो, हर समाज में सत्ता की साझेदारी हो ताकि वहां पे तानाशाही ना आ जाए, वहां पे लोकतंत्र हमेशा जीवित रहे और राजनीतिक समाज की एकता अखंडता और वैधता जो है हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार मैंने दोस्तों सारा आपका जो है इस चैप्टर का जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जितना मुझे समझ में आया मैंने कर दिया है। बाकी आप लोग को और और अगर चाहिए होगा, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन चाहिए होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो जाए, मतलब नहीं दिख रहा हो चाहे कुछ भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसने आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आज मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर मतलब कि समझाते हुए फिर उसका वीडियो बनाकर मतलब कि अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तब तक लिए शुभरात्रि आप लोगों को, गुड नाइट, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच। ओके, बाय।